आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आवाम की हिमायत से मादर वतन का हर कीमत पे दिफा करेगी। मुसल्ला फौज जवां मर्दी और बहादुरी से वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का टीला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा, लाहौर और मंगला कोर के जवानों की मशकें देखी। कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई? PTM जिन लोगों के प्रॉब्लम्स को बुनियाद बना के काम कर रही है, उन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया क्या प्रोग्रेस हुई है। हम जो वहाँ की अवाम है उसके लिए हर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज अप। जब गले काट कर फुटबॉल खेला जा रहा था उस वक्त PTM कहाँ थी? TTP और PTM का बयानिया एक ही क्यों है? पाक फौज से किस बदले की बात करते हो? मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार भारतीय काउंसिल खाने गया? बाहर जाकर हर उस बंदे से क्यों मिलते हो जो फौज के खिलाफ बोलता है? तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि PTM से सवालों के जवाब कानूनी तरीके से मिलेंगे। ISPR के थ्रू सियासी बयानियां दिलवाना, ये इदारे को मतनाज़ा बनाएंगे और इस ये नहीं होना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे इदारे जो है वो मतनाज़ा हो। बात जो है ना वो राव कुमार से काफ़ी दूर निकल गया है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि राव कुमार जो है वो एक आदमी नहीं था। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा हुकूमत की मुखालफत में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं, हमारे पास हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने मुस्ताफी होने का ऑप्शन है। IMF से डील पार्लियामेंट के सामने रखने का मुतालिबा, बोले हुकूमत पार्लियामेंट को इत्माद में लिए बगैर IMF से बातचीत कर रही है। आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, पेट्रोल 14 रुपए 37 पैसे महंगा करने की तजवीज, डीजल 4 रुपए 89 पैसे, मट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे महंगा करने की सिफारिश, ओगरा ने समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, नून लीग की पार्लियामानी पार्टी का इजलास, महंगाई के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत, माह रमजान में पार्लियामान के बाहर रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज की हिकमत अमली पर भी गौर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रुकन सिंध असेंबली अरबाब लुतफुल्ला ने मुलाकात की, थर पार्कर की सियासी सूरतहाल तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई, साबिक सदर ने थर में कहत के खात्मे का मुस्तकिल हल निकालने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली फरियाल तालपुर की 61वीं सालगिरह, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर ने केक काटा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत की। सानिया बल्दिया केस के मुलजिम रिजवान की GIT रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई, रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने MQM की 40 रुकनी टारगेट किलिंग टीम के नाम भी उगल दिए, मुलजिम ने पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। साबिक वफाकी वजीर तालीम बलीगुर रहमान की अहली और बेटा कार हादसे में जांबहक, हादसा टोबा टेक्सिंग में गोजरा इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार उलटने से पेश आया, दो बच्चे और ड्राइवर शदीद जख्मी, बलीगुर रहमान की फैमिली इस्लामाबाद से भावलपुर जा रही थी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद में खतरनाक हादसा, 12 अफराद जान से गए, तेज रफ्तार वैन टोल प्लाजा से टकरा गई, हादसे में जख्मी 7 अफराद अस्पताल दाखिल, वैन सरगोधा से रावलपिंडी जा रही। लाहौर में नाबीना अफराद और पंजाब हुकूमत में मुजाकरात कामयाब, हुकूमत का डेली वेजिस मुलाजमीन को मुश्तकिल, बेरोजगारों को नौकरियां देने का ऐलान, नाबीना अफराद ने मुतालिबात न मानने पर खुदकुशी की धमकी दी थी।
पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, हज कोटा बढ़ गया, मजीद 15,790 पाकिस्तानी फ्रीज़े हज अदा कर सकेंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इजाफी कोटे की कुरानदासी की जाएगी। 9,474 अफराद सरकारी, 6,316 अफराद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर जाएंगे। साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख, दफातर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम रीजनल टैक्स दफातर को सर्कुलर जारी कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और सहूलत, कॉल सरजमीन मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। शिकायत मुआवने खसूसी जुल्फी बुखारी खुद मॉनिटर करेंगे। और इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिशों से तबाही, हादसात में 40 अफराद हलाक, हजारों बेघर। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, इमारतों पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। डीजी एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पीटीएम के किरदार पर सवालात उठा दिए। कहते हैं जब गले काट कर फुटबॉल खेला जा रहा था उस वक्त पीटीएम कहां थी? टीटीपी और पीटीएम का बयानिया एक ही क्यों है? जो फौज की सपोर्ट में बोलता है वही क्यों मारा जाता है? आप फौज से किस बदले की बात करते हो? मुल्क से बाहर जाकर हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाक फौज के खिलाफ बात करता है? आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का? और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। द टाइम इज अप। मेरे इनसे कुछ सवाल है, मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है? एसपी ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में, आप किस कैपेसिटी में कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है? क्यों मना किया गया कि ये बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसुलेट है उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसुलेट है उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए? और जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है, क्यों मारा जाता है? टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं। और डीजी एसपीआर का कहना है कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और एजीसी से मुंसलिक किया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फिक्का छोड़ो नहीं और दूसरे का फिक्का छेड़ो नहीं। मदरसों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कर दिया, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ उनको मंसलिक किया जाएगा, आर्मी चीफ की उलमाए कराम के साथ बहुत सारे सेशन हुए, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। तमाम उलमाए कराम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में लेके आना वो जरूरी है। जहाँ तक उनके अपने सिलेबस की बात है, सिर्फ एक चीज उसमें नहीं होगी, हेट स्पीच नहीं होगी। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फिक्का छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। और डीजी एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि फौज का काम है कि वो मईशत के लिए साजगार माहौल मुहैया करे। अल्लाह का शुक्र है कि फौज ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब जो बाकियों के करने का काम है वो उन्होंने करना है। जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकानमी तौर पे मजबूत नहीं होगा, डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं। और ये इकानमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हों, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। वो मुल्क में अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी तो इकानमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे। इसका